रानी, कैसे हो आप सब? अच्छी, बहुत अच्छी। वो अभी लग रहा है 8, मैं उठी थी 7 बजे आज, कोई और नहीं था, लेकिन मैं उठी थी 7 बजे और अभी 8 बज रहा है। तो मुझे बनाना है खाना, तो मैंने टाइम को तो वो दलिया दे दिया था, उनका लिया, लेकिन अभी अब जल्दी से खाना बना लेते हैं क्योंकि लंच गर्मी लग रही है। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ राजमा, जिसको राजमे को मैंने रात में भिगो के रख दिया था। राजमे को तो बच्चे से इसको धो लिया था मैंने दीवार से इसको, और यही पानी मैं इसमें ऊपर में डाल लूँगी क्योंकि मुझे इसको बॉयल करना है अच्छे से। मैंने पानी लिया और अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, तेज पत्ता, नमक और ये तेज पत्ता डाल के मैं इसको बॉईल करूँगी। उसके बाद से फिर इसको जो बॉयल कर लूँगी तो मसाला बना के अच्छे से भून के मैं डालूँगी। तो चलिए इसको कर देते हैं लीड लगा के बंद। तो मैंने लीड लगा के इसको ऑन कर दिया, ये रखा इस पर। तो चलिए जब से ये राजमा बॉयल होता है उसके बाद से दूसरी तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। राजमे को बॉयल कर लिया और अब मैं इसका बना लेती हूँ राजमा बनाने के लिए। जैसे कि पेस्ट में ये है टमाटर, प्याज, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली का दो टुकड़ा। एक स्पून ये नारियल का बुरादा, पेस्ट बन चुका है। चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। खा लेते हैं राजमा। तो ये मस्टर्ड ऑयल है, तो ये ऑयल हो चुका है गर्म, तो इसमें डाल देते हैं ये तेज पत्ता और ये अखा रेड चिली है। तो मैंने इसको बीच से कट कर दिया है ये, और प्याज है स्लाइस वाली, काफ़ी वाली नहीं, मैंने इसको मोटे मोटे स्लाइस में काटा है। और मुझे प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउनी करना, हल्का सा ब्राउन, और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ये मैं डाल देती हूँ। और इसमें डाल देते हैं नमक, सूखा मसाला, थोड़ा सा सौंफ पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं है, ये थोड़ा ही डाले हैं क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली भी डाली थी जो पेस्ट मैंने बनाया था उसमें। ये है गरम मसाला, हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स। तो ये मसाला अच्छे से भून चुका है, ये देखिए किनारे किनारे ये इसमें तेल आ चुका है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ राजमा। राजमा को मैंने पानी से छान लिया था, अगर आप चाहे तो वो पानी जो जैसे मैंने बॉईल किया था उसमें भी आप डाल सकते हैं।
लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे लग रहा था शायद नमक ज़्यादा मुझे याद नहीं था, मैंने जब बॉयल करते वक्त भी नमक डाला था और ये मसाला भूनते वक्त भी नमक डाल दिया तो शायद ज़्यादा हो जाए, इसलिए मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी, थोड़ी देर के लिए रख दूँगी इसको पकने के लिए। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ये राजमा हो चुका है तैयार, तो इसमें अब हम मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी, धनिया की पत्ती, और इसको अच्छे से मिक्स। चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। कुछ जल रहा है यार।